नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, एलर्जी अस्थमा सेंटर कोलकाता की ओर से। आज हम लोग चर्चा करेंगे गर्मी में भी ठंडा सर्दी नज़ला ये सब होने का वजह, कारण और निवारण, इसके विषय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आप लोग जो नए दर्शक आए हैं उनसे मैं अनुरोध करता हूँ लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर करने के लिए, और पुराने दर्शक जो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर कर रहे हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया हो तो कृपया शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं कोलकाता में सियालदा स्टेशन के पास मौलाली मजार और इंटाली सिनेमा हॉल के बीच में अवस्थित हूँ। स्क्रीन में दाहिने जो नंबर दिया हुआ है 7278034776, इस नंबर पे कॉल करके आप लोग अपॉइंटमेंट या अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो मूल विषय पर आ जाते हैं कि गर्मी में भी ठंडा लगने का कारण गर्मी है। बहुत सारे लोगों को हम लोग देखते हैं जिनको बराबर सालों भर सर्दी ठंडी लगा रहता है, छींक सर्दी खांसी छाती में घड़घड़ाहट कफ का पैदा होना नज़ला पैदा होना सर्दी होना ये सारा चीज से तकलीफ पाते रहते हैं। इन तरह के लोगों को देखा गया है ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग गर्म पानी से नहाते हैं, गर्म पानी का सेवन करते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये सब चीज़ होते रहता है। बेसिकली सर्दी ठंडी ये सारे चीज़ों इस तरह के प्रॉब्लम्स में क्या हम लोग फोकस करते हैं खान पान के चीज़ों में कि कौन कौन सा चीज़ ठंडा पैदा करता है उसको नहीं खाना, उसको कम करना, या जिन जिन चीज़ों से एलर्जी हो रहा है वो सबसे का परहेज करें। लेकिन सब परहेज के बाद भी देखा जाता है कि परहेज करने के बावजूद भी जो प्रॉब्लम पहले था वही प्रॉब्लम वापस हो ही रहा है, उसमें कोई गिरावट नहीं है। मेन कल्प्रिट जो आँख से नहीं दिखाई पड़ता उसके तरफ हम लोग फोकस नहीं करते हैं। एलर्जी होने का दो वजह है, एक खान पान के माध्यम से जो एलर्जन हमारे शरीर में प्रवेश करता है, नॉर्मल चीज़ें जो रिएक्ट कर जाता है बॉडी में, मेरा बॉडी उसको सहन नहीं कर पाता है, ले नहीं पाता, उसके खिलाफ रिएक्टिविटी देता है। और दूसरा चीज़ है आबो हवा से जो सांस के माध्यम से जो शरीर में एलर्जन प्रवेश करता है वो सब, तो सांस से सबसे ज़्यादा एलर्जन प्रवेश होता है, जिस वजह से ज़्यादा सर्दी की प्रवणता देखेंगे सुबह अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग में होता है, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में पेड़ पौधा बहुत सारे हैं और सुबह सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में इनका पूरा रेस्पिरेटरी पैटर्न सांस लेने का तरीका पूरा बदल जाता है। इस वजह से जितना अनबाउंड पोलेंस होता है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है, और अबॉन्डेंट पोलेंस होने की वजह से हमारे सांस नली से प्रवेश करता है शरीर में, मास्क सेल उसको रिसीव करता है रिसेप्टर सेल, और वो मास्क सेल एक रिएक्टिविटी देके एलर्जी ट्रिगर पैदा करता है, इन्फ्लेमेशन अंदर पैदा करता है। इसका निजात इससे निजात पाने के लिए हम लोगों को ज़रूरत है मॉडिफाइड स्किन प्रिक एलर्जी टेस्ट करने का। मॉडिफाइड स्किन प्रिक एलर्जी टेस्ट करके परीक्षण करके जांच करके पता करना किन किन चीज़ों से एलर्जी हो रहा है, और उसके खिलाफ स्पेसिफिक एंटीबॉडी स्पेसिफिक इम्यूनिटी बॉडी में बिल्टअप कर लेने से इससे लेकिन छुटकारा पाया जा सकता है। ये इम्यूनिटी बिल्टअप करने के लिए हम लोग स्लिट या सबलिंगुअल इम्यूनोथेरेपी वैक्सीन का प्रयोग करते हैं। इससे पहले ही मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट करने के लिए हम लोगों के यहाँ 2500 रुपये चार्जेज 144 तरह के एलर्जेंस के, और 1000 रुपये कंसल्टेशन फ़ी है। वैक्सीन का 1 साल का कोर्स जो ओरल मुंह में खाने वाला ड्रॉप आता है, और 1 साल का वैक्सीन का कोर्स का 8000 रुपये चार्जेस लगते हैं। इस तरह का परिसेवा लेने के लिए स्क्रीन में दाहिने जो नंबर दिया हुआ है 7278034776, इस नंबर पर कॉल करके अपॉइंटमेंट लेके आप आके ये परिसेवा ले सकते हैं। मैं कोलकाता में सियालदा स्टेशन के पास मौलाली मजार और इंटाली सिनेमा हॉल के बीच में अवस्थित हूँ। आज के लिए इतना ही। आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें। मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, एलर्जी एडवांस सेंटर से।